नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 21 राजस्थान और आज के अंक की नागौर हेडलाइंस में। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के अधिकारी पीयूष समरिया ने कल नागौर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पद का पदभार किया ग्रहण। दौसा जिला कलेक्टर पद से स्थानांतरित होकर नागौर आए कलेक्टर का किया गया भव्य स्वागत। इससे पूर्व समरिया MD राजस्थान ऊर्जा विकास निगम, जॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट हेल्थ इंश्योरेंसी जयपुर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाई माधोपुर पद पर दे चुके हैं अपनी सेवाएं। बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचते ही प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने की उनकी अगवानी। पदभार ग्रहण करते ही जिला कलेक्टर समरिया ने कलेक्ट्रेट परिसर की सभी शाखाओं का किया निरीक्षण। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल कटनवालिया, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीरालाल मीणा, उपखंड अधिकारी सुनील पंवार, IT संयुक्त निदेशक कुंभाराम रेलावत सहित कलेक्ट्रेट के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी रहे उपस्थित। सरकारी जमीन पर कब्जे को रोकने को लेकर हुए विवाद में 4 घायल। नागौर शहर स्थित एक मोहल्ले की कीमती सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर कल हुआ जमकर विवाद। मोहल्लेवासियों ने जमीन को सरकारी बताते हुए कब्जे का कर दिया विरोध। गुस्साए दूसरे पक्ष ने विरोध कर रहे मोहल्लेवासियों पर बोल दिया हमला। इससे 4 लोग हो गए घायल, जिन्हें JLN हॉस्पिटल पहुंचाकर करवाया गया इलाज। घटना की जानकारी पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का लिया संज्ञान। तथा कथित भूमाफियाओं ने शहर के वार्ड संख्या 60 में पड़ी करीब 2.5 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जे का किया प्रयास। इससे पूर्व भी अतिक्रमण का किया जा चुका है इस जमीन पर प्रयास, जिसे तात्कालिक SDM दीपांशु सागवान ने कार्रवाई कर हटाया था। अब भूमाफियाओं द्वारा दोबारा मौके पर कब्जे करने का किया गया था प्रयास, जिसकी जानकारी मिलने पर मोहल्लेवासियों ने विरोध किया तो आपसी लड़ाई में 4 घायल हुए। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल के लिए जुटाई जानकारी। पूर्व में जमीन क्या थी और सरकारी अंगौर की भूमि ने अब्दुल रहमान प्रकरण में है और प्रतिबंधित खसरा की है जमीन। वो बार बार आकर के वहाँ अवैध कब्जा कर रहा है। उससे पहले तत्कालीन SDM साहब दीपांशु जी सांगवान थे और उनकी पूरी टीम यहाँ आकर के वहाँ कब्जा मुक्त करवाया था। पूरे में कब्जा किसने किया था? हरिराम रोम रोड ने कब्जा किया था और उसके बाद में SDM साहब ने वहाँ आकर के पूरी चार दीवारी वो तारबंदी करवा करके नगर परिषद द्वारा तारबंदी करवा दी तुरंत, और उसके बाद में मामला शांत हो गया। अब धीरे धीरे न जाने उसके क्या दिमाग में आ रही है, अब कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। विश्वविख्यात नागौर के रामदेव पशु मेले के आयोजन की अनुमति को लेकर सांसद बेनीवाल हुए सक्रिय। पशुपालन मंत्री से दूरभाष पर वार्ता कर CM को भी लिखा पत्र। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया को पत्र भेजकर नागौर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विश्वविख्यात रामदेव पशु मेले के आयोजन की अनुमति देने की है मांग। सांसद ने कहा कि नागौर की बैल की नस्ल देश भर में है प्रसिद्ध, साथ ही इस मेले से न केवल राजस्थान बल्कि देश के कई राज्यों के किसान मानते हैं सांस्कृतिक धरोहर एवं आय का साधन। उन्होंने कहा कि लोगों में अब वैक्सीनेशन के प्रति बढ़ रही है जागरूकता तथा मेला मैदान का क्षेत्रफल भी 200 बीघा से अधिक है। ऐसे में सरकार COVID-19 प्रोटोकॉल के तहत भी भरवा सकती है मेला। सांसद ने पशुपालन विभाग के शासन सचिव RUC मलिक और पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक से भी दूरभाष पर वार्ता कर नागौर जिला कलेक्टर को भिजवाया है पत्र। साथ ही सांसद ने कल अपने नागौर स्थित आवास पर किसानों एवं ग्रामीणों के लिए जन सुनवाई का भी रखा कार्यक्रम। संबंधित विभागों के अधिकारियों को दूरभाष पर किया गया निर्देशित। आप यहाँ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए? हाँ, ज्ञापन देने गए। यहाँ मेलो भरवाण है और बैल मालो मैं सरासरा चंग हो गया अबे, और बैल भेजना है, मेलो भरवाण जरूरी है। अब मार्गन कोई खर्चा पानी नहीं रही, हमारा बच्चा ने पाला कि बैल पाला, क्या बात है, मेलो भरवाण जरूरी है। 2 तारीख में आ जाओ मेले,
और बिको मत बिको भी रो गई है कि मैं छोड़ के जाऊँगा बिके बाद क्या करा हाँ गमडा राम गांव सहेंदनी तहसील मुंडवा मेला वास्ता आया आई साल मेलो लगा हुए बंद करते हुए तो इतना तो जानवर है घर में घर कहीं हमने दूध पवा बंटा देवा सब चीज खुआ कूर मेलो आवे बंद करते हुए तो बस करें कहीं मांगो साहब ने आवाज जन कहे के कोरा ना आएगा कोरा ना कोई मांग वास्ते आवे कृष्णा वास्ते के सब जनता के आवे तो के तो कोरोना आवे ना 2024 के अंदर जो भी जगह मायने पहली जगह नहीं जो कोरोना है जो की दे दुआ गांव में मार काटो तो वहां नकी हुए कोई आवे कोई बात हटे आई साल मेलो भरी जाए 2 तारीख चालू करियो पाचो बंद करावे तो वहां कहो है साहब ने कह भराओ मेलो ठीक है नहीं भराओ तो जनता तटा आई बेल ले नाम क्या आपका मारना अर्जुन है साहब 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने की योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से नोटिस दिए जाकर पंजीयन निलंबित या निरस्त करने की कार्रवाई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अक्टूबर या अप्रैल माह में नियमित रूप से की जाने का है प्रावधान, परंतु इस बार COVID-19 की परिस्थितियों के मद्देनज़र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के आधार पर दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर 2021 तक के विधिवत मान्य स्वीकार किए जाने के बावजूद भी जिला परिवहन अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया है कि ऐसे परिवहन या गैर परिवहन यान जिनकी पंजीयन तिथि को 15 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है उनके प्रमाण पत्र निलंबित या निरस्त करने की जाएगी कार्रवाई, इसलिए विभागीय आदेशों की पालना किए जाने से बचने हेतु 15 वर्ष की अधिक आयु पार कर चुके वाहनों के जल्द करवाने होंगे पंजीयन या प्रमाण पत्र रिन्यू। सोसाइटी ऑफ राजस्थान रेडियोग्राफर एंड रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट संगठन द्वारा उप जिला चिकित्सालय मकराना में कार्यरत सहायक रेडियोग्राफर आसिफ अली को सोसाइटी का जिलाध्यक्ष किया गया मनोनीत। इस अवसर पर अस्पताल स्टाफ द्वारा माल्यार्पण कर किया गया स्वागत। वहीं गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर मकराना उपखंड अधिकारी कार्यालय में उपखंड अधिकारी JP बेरवा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई आयोजित, जिसमें सरकारी निर्देशानुसार कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह उत्साहपूर्वक सफल बनाने के लिए दिए गए दिशा निर्देश। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के अधीन नागौर जिले के मकराना जंक्शन पर बुधवार शाम 4 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण रिजर्वेशन काउंटर हो गया बंद। विद्युत चालित उपकरण खराब होने के कारण यात्रियों को घंटों करना पड़ा इंतजार। बुधवार को राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड द्वारा कोरोना जागरूकता रैली को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली मकराना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य अब्दुल वहीद खिलजी और नायब तहसीलदार गजेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष राम कुमार भूतड़ा रहे कुचामन दौरे पर, मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने वर्तमान कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से बताया वादा खिलाफी करने वाली सरकार तथा बताया कि इस सरकार से जनता है परेशान। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अत्याचार अपराध लगातार बढ़ रहे हैं तथा देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए प्रत्येक जिले में भाजपा कार्यालय बनाने का देखा था सपना तथा अब सपना बदल रहा है हकीकत में। उन्होंने बताया कि राजस्थान की भी सभी 33 जिलों में से 13 जिलों में कार्यालय बनकर हो चुके हैं तैयार तथा 5 में जल्द शुरू हो रहा है निर्माण। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए जाने की कही बात। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अमित शाह जी का सपना था कि पूरे देश में जिला स्तरीय कार्यालय बने ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं को बैठने का साथ रहने का उचित स्थान मिले और इस दृष्टि से उन्होंने हिंदुस्तान भर में बहुत बड़ा काम किया है और राजस्थान के भी प्रशासनिक 33 जिले हैं उन 33 जिलों में कार्यालय बनना सुनिश्चित किया गया है। उसमें से 13 कार्यालय हमारे निर्मित हो चुके हैं पूरे हो चुके हैं और 5 शीघ्र ही शुरू हो रहे हैं। बाकी जगह भूमि खरीदी गई है और मैं आशा करता हूँ कि अगले 1.5 साल में
85-85 किलो में कार्यालय बन जाएगा। थावला कस्बे के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में कल क्षेत्र के पीईओ एवं प्रिंसिपल हरिकृष्ण सहारण ने आओ घर से सीखें स्माइल कार्यक्रम के तहत किया स्कूलों का मासिक निरीक्षण। बालिका स्कूल में कंप्यूटर कक्ष एवं आवश्यक दस्तावेज के निरीक्षण के साथ ही राज्य सरकार द्वारा साइकिल वितरण कार्यक्रम में भी की शिरकत। इस मौके पर कुल 168 छात्राओं को वितरित की गई साइकिलें। खुनखुना थाना क्षेत्र के बेरवा गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित हुआ चोरी। पुलिस ने चोरी हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को 6 घंटे में किया बरामद। पुलिस के अनुसार प्रार्थी मुकेश भाकर ने थाने में उपस्थित होकर दी एक रिपोर्ट में बताया था कि उसका ट्रैक्टर ट्रॉली एक अज्ञात चोर द्वारा किया गया चोरी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुसंधान शुरू कर निमोद की सरहद से मुलजिम नारायण राम निवासी आसपुरा कुचामन सिटी को ट्रैक्टर के साथ किया दस्तियाब तथा गिरफ्तार कर लाया गया। थाने बुधवार को कोर्ट में पेश कर अनुसंधान के लिए भेजा गया एक दिन के रिमांड पर। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खुलवाने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने एसडीएम गौरीशंकर शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। इस मौके पर समाजसेवी भागीरथ डांगा ने बताया कि रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय के 40 किलोमीटर के दायरे में नहीं है कोई राजकीय महाविद्यालय, जिसके कारण बच्चों को दूरस्थ कॉलेजों में जाने के लिए होना पड़ रहा है मजबूर। ऐसे में सरकार को रियाबड़ी उपखंड को देनी चाहिए महाविद्यालय की सौगात। राष्ट्रीय जैन संत कमल कन्हैयालाल के शिष्य उप प्रवर्तक विनय मुनि वागेश, उप प्रवर्तक गौतम मुनि गुणकार, तपोकेसरी संजय मुनि सागर आदि के जसनगर में मंगल प्रवेश को लेकर जैन समाज ने किया भव्य स्वागत। यह है न्यूज 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज पोर्टल।